वेलकम टू कुशला दिन पॉइंट। मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज हम क्लास 11 सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड का सिलेबस लेके आए। इसमें आपको बता 19 चैप्टर्स हैं आपके, प्लस प्रत्येक चैप्टर का हम पहले टॉपिक आपको बताएंगे, इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं, उन टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे बेटा, जैसे मैंने आपको बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं नवोदय स्कूल का। नवोदय स्कूल का हम ऑनलाइन बैच चला रहे हैं, वो ओनली आप अपने घर पे रहकर अपने बच्चे को मात्र 500 रुपये में तैयार करा सकते हैं। जो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा से तैयारी करें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 3703764-8371। और जो बच्चे 9th, 11th, 12th में पढ़ना चाहता है, उसके लिए हमारे YouTube चैनल पे क्लास आना स्टार्ट है, ठीक है, वो भी हमसे इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा है। आप देखो यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी जितने भी मुझे जानते हैं, मेरे चैनल से मुझे जानते हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है बेटा, वो है सजीव जगत, द लिविंग वर्ड्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम बेटा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उन टॉपिकों पर चर्चा कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं हम कि जो आपका पहला ही टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सजीव जगत क्या है, ठीक है, जैव विविधता। सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है आपका वर्गीकरण की आवश्यकता, और फोर्थ टॉपिक है आपका जीवन के तीन डोमेन, आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, और यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, जातियों की संकल्पना एवं वर्ग की क्रमबद्धता। अब छठवां जो टॉपिक है वो है द्विनामकरण पद्धति, जो इपोक्रेट्स ने दी थी, ठीक है, लिनियस ने दी थी। अब बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कि हम फर्स्ट फॉल बात टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा जीव, कि जीव क्या है, जीव, ठीक है। तो पहले इसे हम रिजल्ट कर देते हैं, डाल देते हैं बेटा, फिर हम आगे चलते। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है, आधा वीडियो तो आपको मैं कुछ मिनटों का वीडियो तो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, या मैं इसे पूरा ही वीडियो डालूंगा, ठीक है। और इसके लिए आप अच्छे हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा, कुशल अध्ययन पॉइंट पे। और हमारा जो फेसबुक पे जो वीडियो आती है वो आती है हमारे इस जगह, अभय कुमार सर, ठीक है, इस पर वीडियो आती है। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को, हम जो भी वीडियो आती है उन्हें प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, शेयर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम जीव, या हम बोल सकते ऑर्गेनिज्म, क्या बेटा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, अब बात कर रहे हैं हम फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे जीव, क्या बेटा, जीव, या हम इन्हें बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये यहां पे हमने लिख तो दिया कि जीव, पर जीव होता क्या है, जीव होता क्या है, तो जीव क्या है, जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, और अपने ही जैसे ही प्रतिरूप या अपने ही जैसे चीजों का या अपने ही जैसे लिविंग्स का क्या करता है बेटा, बनाता है, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हम किसी पेड़ के लिए लेते हैं, पेड़ मतलब नीम का पेड़ है, तो आपने देखा होगा उसके बीज आए झड़ गए और नीचे बहुत सारे नीम उत्पन्न हो गए। ऐसे हाथी के देखो, वो अपने ही जैसे प्रतिरूपों को बना रहा है। ऐसे हम मछलियों की बात कर रहे हैं तो वो मछली अपने जैसे प्रतिरूप, मनुष्य भी अपने प्रतिरूप
बना रहा है, या हम कह सकते हैं इनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, जिससे ये नए जीव उत्पन्न होते हैं। यही बेटा क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। तो यहां पे हम डेफिनेशन के रूप में देख सकते हैं बेटा कि जीव क्या है। तो जीव एक या एक से अधिक जीव, एक या एक से अधिक जीव, एक या एक से अधिक कोशिकाओं का संगठन का बना हुआ है संगठन। क्या बेटा? कोशिकाओं का बना वह संगठन है, संगठन है जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसमें बाहरी और आंतरिक, जिसमें बाहरी व आंतरिक क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और क्या हो रहा है बेटा इसमें, वृद्धि हो रही है, और क्या हो रही है, यही क्या बेटा, यह विकास है, यह है विकास है, ठीक है, यह क्या बेटा विकास है, यह विकास होता है, यह विकास होता है। आप बात कर रहे हैं, देखो आप विकास और अपने जैसा और अपने जैसा अपने ही जैसे प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, अपने ही जैसे अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, क्षमता होती, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आई बेटा। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट और है आपका, वो है सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, ये तो हमने ओनली जीव के बारे में पढ़ा, जीव के बारे में, क्या बेटा इनमें आंतरिक विकास होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं बाहरी विकास होता है, ठीक है, या हम कहते हैं ये अपने ही जैसे थे ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं बेटा, या अपने ही जैसे जीवों का क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को बनाते हैं, या अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। अब बात कर रहे हैं सजीव और निर्जीव, किसी बेटा सजीव और निर्जीव, तो ये चीज आप यहां से इतने उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहां अब आ रहा है बेटा सजीव, लिविंग, इस पे बेटा सजीव, ठीक है, लिविंग। अब देखो सजीव लिविंग पृथ्वी पर, या हम कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जातियों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर जितनी भी जातियां हैं उनको हमने दो भागों में बांटा, दो भागों को हमने चुना है, एक में तो हमने बांटा सजीव में और एक बांट लिया बेटा हमने निर्जीव में, इसमें निर्जीव, और सजीव में हमने क्या क्या देखा, ये देखा, सजीव की हम बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है, जो चलते हैं फिरते हैं, उत्सर्जन करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है, गति करते हैं, और क्या करते हैं बेटा, और वो तो प्रजनन करते हैं, पोषण होता है, श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उनमें होती हैं, उन्हें बेटा हम सजीव कहते हैं। एक बार और समझ लें, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त, क्या बेटा, समस्त जीव जिनमें क्या पाया जा रहा है, जिनमें
जिनमें क्या पाया जाता है बेटा, जिनमें जीव पाया जाता है, यानी जिनकी लाइफ के लिए हम मेथड कहते हैं, जिनमें जीवन उपयोगी सभी, क्या हम कहते हैं जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। अब देखो जिनमें जीवन पाया जाता है और क्या बेटा, और जिनमें जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, और इनमें क्या बेटा महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, क्या बेटा महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं। और बेटा महत्वपूर्ण क्रियाएं क्या होती सजीवों में बेटे, जैसे ये श्वसन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं श्वसन, ठीक है, पोषण हो रहा है, पोषण कर, ठीक है, अब वृद्धि हो रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है बेटा बताओ, उत्सर्जन हो रहा है और प्रजनन हो रहा है, और बताओ बेटा, इनमें ये गतियां हो रही हैं, ठीक है, चलन, ठीक है, ये सभी गतियां हो रही हैं किनमें सजीव में, तो हम कह सकते हैं ये क्या बेटा सजीव, क्या है बेटा ये सजीव है, या हम बोल सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म है, या ये जीव है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये क्या ऑर्गेनिज्म है, या हम बोल सकते हैं ये लिविंग्स है, क्या बेटा लिविंग, ठीक है, लिविंग्स। अब श्वसन की बात करें, ठीक है, कोई भी जीव हो पृथ्वी पर सभी श्वसन क्रियाएं करते हैं, चाहे वे पेड़ पौधे हो बेटा और चाहे वो जीव जंतु हो, ठीक है, जीव जंतु या पेड़ पौधे, पेड़ पौधे बेटा क्या करते हैं वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बेटा क्या करते हैं छोड़ते हैं, और वह ऑक्सीजन कौन लेता है बेटा, वो लिविंग्स लेते हैं, वो सजीव लेते हैं, और सजीव कौन होते हैं बेटा, जो हम मनुष्य हाथी ये सभी क्या बेटे सजीव हैं, और जो मनुष्य द्वारा चीजें बनाई गई हैं वो क्या है, या हम बोल सकते हैं प्राकृतिक कुछ वस्तुएं हैं या कुछ चीजें हैं जो निर्जीव हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं पत्थर, पत्थर ये क्या है ये निर्जीव, ऐसे बहुत सी सारी चीजें हैं वो क्या है निर्जीव है, मानव निर्मित कुर्सी टेबल मेज जो भी आपको दिख रहा है शीशा कंघा जो भी एनीबॉडी बल्ब या हम गियर लगी घड़ी या हम बस कार वगैरह ये सभी बेटा निर्जीव है, ये कृत्रिम रूप से निर्मित जीव है, कृत्रिम रूप से इसलिए निर्जीव है बेटा क्योंकि ये मनुष्य द्वारा बनाई गई है, ठीक है, श्वसन की बात कर ली हमने, पोषण, पोषण को हम बोल सकते हैं ये हमें कब प्राप्त हो सकता है जब हम अंतर्ग्रहण करेंगे, अंतर्ग्रहण का मतलब बेटा ये हो गया कि इन चीजों का हम सेवन करेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले फल फ्रूट भोजन कोई भी चीज है बेटा, ठीक है, दूध मक्खन घी उसका क्या करना है बेटा, हमारे अंदर एक डाइजेशन सिस्टम होता है, जो सजीव होते हैं लिविंग्स होते हैं उनके अंदर एक डाइजेशन सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं वो भोजन को क्या करते हैं खाते हैं, और उनका जो पाचन है बेटा वो क्या करते थे मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह से आहार नली में, आहार नली से अमाशय में, अमाशय से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से हमारे थे क्या मलद्वार द्वारा, तो हमें पोषण कैसे मिलता है, तो हमारा जो भोजन होता है वो हमारे मुंह में जाता है, मुंह से दांतों में पिसता है, दांतों में क्या टाइलिन और एमाइलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं बेटा वो मिलते हैं, वहां से आहार नली में अमाशय में जाते हैं, वहां से प्रोटीन का संश्लेषण होता है बेटा, और फिर वहां से पित्त रस निकलता है, वहां से बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा छोटी छोटी विलीप प्रकार की इस प्रकार की संरचना होती है बेटा, मैं आपको बता दूं ये संरचना क्या करती है, भोजन में से पोषण वाले जो तत्व होते हैं उन्हें क्या करती है बेटा एब्जॉर्ब करती है, क्या कर रही है बेटा एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं वो पोषण तत्व हमारे शरीर में ब्लड में मिलकर हमारे शरीर की जितने भी कोशिकाएं होती हैं सजीवों की वहां तक पहुंचाती हैं। अब हम पेड़ पौधे की बात करें कि पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, पेड़ पौधे होते हैं बेटा कैसे
स्वपोषित। स्वपोषित का मतलब ये बेटा इन्हें किसी चीज की किसी मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं रहते, ये खुद भोजन अपना बना लेती है। और भोजन किसके माध्यम से बनता है, इनमें एक पदार्थ पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है, ये हरी आपको जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हो जाते हैं हरे ही होते हैं, ठीक है। और ये प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और उनमें खनिज लवण है वो जाइलम इनमें पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं। संबंध होता है हम बोल सकते हैं बेटा वैस्कुलर बंडल। और जाइलम फ्लोएम का कार्य क्या करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो नत्ती से जो होते मूल स्रोत होते हैं जड़ों में, वो बेटा क्या करते हैं वहां से खनिज लवणों को लेकर कहां तक पहुंचाते हैं, पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पेड़ में क्या बनता है बेटा, भोजन, पेड़ की पत्तियों बनता है भोजन, भोजन बनता है बेटा स्टार्च के रूप में। और स्टार्च के रूप में क्या करते हैं ये जनक रोम होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा मैं आपको बता देता हूं कि वो पेड़ की प्रत्येक भाग में, पेड़ के प्रत्येक भाग में बेटा, प्रत्येक भाग में भोजन को पहुंचाते, ठीक है। तो ये पोषण वाला आपको भाग समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं बेटा वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, ये वृद्धि होती है बेटा चाहे वो पेड़ पौधा हो और चाहे वो कोई लिविंग्स हो, इनमें चाहे वो एक कोष की हो चाहे वो बहुकोष की हो, इनमें जो वृद्धि होती है वो होती है सेल्स डिवाइजन की, सेल्स डिवाइड या हम बोल सकते विभाजन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, वृद्धि लिविंग से होती है विभाजन के थ्रू, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, बत्तीस, चौंतीस, छत्तीस, ऐसे कुछ चलता रहता है जिससे क्या वृद्धि होती है। और पेड़ पौधों की मैं बात करूं, जो लिविंग्स होते हैं जीव जंतु होते हैं उनकी क्या होती है, एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है बेटा, ठीक है, एक निश्चित आयु तक। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो होते वृद्धि होती है वो अनिश्चित होती है बेटा, वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। वृद्धि की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो यहाँ आपको सारी चीजें यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो वृद्धि किसके कारण हो रही है बेटा, हम कह सकते हैं सेल्स डिवीजन के कारण। किसके कारण बेटा, सेल्स डिवीजन के कारण, सेल्स डिवीजन के कारण, या हम बोल सकते हैं कोशिका विभाजन के कारण। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है बेटा हम बोल सकते हैं कि हमें अपने शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, क्या बेटा, अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। जैसे हमारे शरीर में पसीना निकलता है, हम मॉर्निंग के टाइम पर पोटी करने जाते हैं वो भी तो हमारा बेस्ट पदार्थ है, हम मूत्र करते हैं वो भी तो हमारा बेस्ट पदार्थ है जिसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक है, ठीक है। जो भोजन हमने खाया बेटा, खाकर हमने देखा कि वो कहां चला गया, हमारे आहार नली द्वारा हमारे से होते हुए सुमन स्थान में, और वहां पर पूरा खाना बच गया। और जो बेस्ट मटेरियल बचा वो हमारे बड़ी आंत में पहुंचा, वहां पर क्या होगा कि जल को, जो जल बचता है भोजन के साथ, तो उसी के कहते जल को अवशोषित कर लेता है और फिर बचता क्या है, मल रूप, मल बचता है जो हम क्या करें मॉर्निंग में पॉटी के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और गर्मियों में आपने देखा होगा हमारी जो जो स्किन है उसमें पसीना निकलता है, तो वो भी हमारा बेस्ट पदार्थ है, वो हमारे त्वचा द्वारा बाहर निकलता है। तो ये चीज आपको समझ में आई, तो सकते पेड़ पौधों में आपने देखा होगा एक सीजन आता है उसमें वो अपनी पत्तियां होती हैं उनको भी त्याग देता है, प्लस पेड़ पर जो छाल होती हैं उनको भी त्याग देता है बेटा। तो ये क्या बेटा, उत्सर्जन, ठीक है। प्रजनन, अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे प्रजनन, थोड़ा समय देंगे मुझे। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, प्रजनन, ठीक है। प्रजनन प्रजनन बताओ, प्रजनन
प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे जंतुओं को, अपने ही जैसे बच्चों को, अपने ही जैसे पेड़ों को, अपने ही जैसे हाथी है अपने जैसे हाथी जैसे बच्चों को जन्म देता है, तो उसे क्या कहते हैं प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रजनन। या हम कह सकते हैं सभी जीवों में प्रजनन का गुण पाया जाता है, उनमें अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये इसमें से एक विशिष्ट गुण है और ये सभी ऑर्गेनिज्म में प्रजनन करते हैं। हाँ सभी ऑर्गेनिज्म करते, चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे वो जीव जंतु हों, कि सभी पेड़ पौधे प्रजनन करते हैं। ये ठीक है, इनमें विशेष कोई वेजिटेरियन टाइप प्रजनन द्वारा करता, कोई लैंगिक प्रजनन, कोई अलैंगिक प्रजनन द्वारा। ये हम जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे तो हम ये सारी चीजें आपको सारी टॉपिक आपको बारीकी से बताना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये प्रजनन वाला आपको ये समझ में आया। ठीक है, प्रजनन का मतलब क्या बेटा, अपने ही जैसी संतानों को उत्पन्न करना, अपने ही जैसी संतानों को उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न करना क्या बेटा प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है प्रजनन कहलाता है। या उनमें अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्या होती है क्षमता होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट संवेदनशीलता। क्या बेटा संवेदनशीलता। देखो मैं यहाँ पे लिखाते जाता हूँ, मैंने दो तीन टॉपिक नहीं लिखाए थे, वो आपको तो लिख लेना, आप वीडियो को दो से तीन बार देख लेना तो आपको ये सारे चीज टॉपिक समझ में आ जाएंगे। अब संवेदनशीलता, इनमें एक ये विशेष गुण होता है। विशेष गुण क्यों होता है बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होती है छोटे छोटे कीड़े आकर हमारी बॉडी से टच हो जाते हैं और हमारी बॉडी पर क्या करने लगते हैं बेटा, चलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। और चलने लगते हैं तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है, या मच्छर आकर बैठ जाता है हूं करके आपकी त्वचा में, जैसे उसने अपनी मुंह की जो नली होती है उसको दबाया और आपके दर्द हुआ, आप मार पटाक, तो आपको मालूम पड़ा कि हमारे शरीर पर। तो ये क्या है स्पर्श करना। क्या बेटा स्पर्श करना, तो हम कह सकते हैं ये क्या बेटा संवेदनशीलता, या हम कह सकते हैं फीलिंग करना। ठीक है, और ये जो अंग है बेटा ये पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें और हम अपनी त्वचा द्वारा, आप देख सकते हैं सूर्य की गर्मी, सर्दी, ये सारी चीजें पे हम अपने स्किन द्वारा महसूस कर सकते हैं। और बताओ, तो ये संवेदनशीलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, उत्सर्जना मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ निर्जीव। निर्जीव क्या है, जब संवेदनशीलता समझाया, ठीक है, पर जो भी चीज खाते हैं उनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, जो जटिल अणु होते हैं उनको भी संचरण होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना स्टार्ट किया। अब हम बात कर रहे हैं जो शरीर को हम सीख गए, अब जो शरीरों को मैंने आपको लक्षण भी बता दी बेटा, अब हम बात कर रहे हैं बेटा निर्जीव। इसकी बेटा निर्जीव। देखो टॉपिक पे तो नहीं भटकाऊंगा मैं, 101% ये कहना चाहता हूँ। निर्जीव क्या होते हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी चीजें जिनमें जीवन नहीं होता। क्या बेटा पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी चीजें जिनमें जीवन नहीं होता है, जीवन पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी चीजें जिनमें जीवन नहीं होता है होता है। ठीक है, और जिनमें जीवन उपयोगी आवश्यक क्रियाएं, जैसे जिनमें उपयोगी
जिनमें उपयोगी आवश्यक क्रियाएं जैसे जैसे श्वसन उत्सर्जन उत्सर्जन के बाद क्या करेगा भोजन वृद्धि और क्या नहीं होती है, सर क्या है नहीं होती है वे सभी निर्जीव हैं। क्या बेटा निर्जीव हैं। अब एक और बात बता दो, सजीवों का एक लक्षण हम भूल रहे थे वो हमें याद आ गया, वो है बेटा चलन, यहाँ कह सकते गति। और मनुष्य या कोई भी जीव है सभी गति करते हैं, पेड़ पौधों को छोड़ ठीक है, पेड़ पौधे भी गति करते हैं, हम कह सकते हैं जड़ों द्वारा कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हम घर बनवाते हैं तो उसके लिए गड्ढे खोदते हैं या कोई तो वहां पर जड़ें निकल आती हैं और पेड़ वहां से बहुत दूर होता है, तो ये चीजें भी हम कह सकते हैं। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं चलन की। चलन जो जीव होता है वो क्यों चलता है, क्योंकि उसे भोजन की जरूरत होती है ठीक है, भोजन की जरूरत होती है, क्या होती है भोजन की जरूरत होती है, और इसलिए भोजन जो जीव है वो भोजन के लिए क्या करता है गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं यहाँ पे जाता है। अब देखो यहाँ पे अब निर्जीव भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मैंने आपको शुरुआत में ही बताए थे कि दो प्रकार के कैसे होते हैं बेटा, एक तो होते प्राकृतिक, और प्राकृतिक कौन से होते हैं बेटा, प्राकृतिक होते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक क्या होते हैं पर्वत आकाश ठीक है, पर्वत आकाश तारे सूर्य हवा पानी और आग पत्थर आदि ठीक है, ये क्या है बेटा ये प्राकृतिक रूप से क्या है निर्जीव बोल सकते हैं। और कृत्रिम रूप से अगर हम बात करें कि मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें कृत्रिम रूप से बेटा अगर हम बात करें तो कृत्रिम रूप से जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कृत्रिम रूप से कुर्सी है टेबल है ठीक है, और क्या है कुर्सी है टेबल है कंप्यूटर है ठीक है, और क्या बेटा कंप्यूटर है मोबाइल कार टैबलेट, मतलब जो चीजें हम यूज करते हैं घर में बेड वगैरह क्लास वगैरह ये सभी क्या बेटा ये रहते हैं ठीक है, इनमें कोई क्रिया नहीं होती है, पर इनमें एक क्रिया होती है बेटा प्रभावित क्रिया मतलब होते हैं चलने वाली क्रिया होती है। तो अगर हम टेबल कुर्सी की बात करें अगर हम इन्हें पानी फेंक देंगे तो ये प्रभावित होकर ये चलने लगेगी। और एक चीज और है बेटा निर्जीवों में वृद्धि होती है ठीक है, निर्जीवों में वृद्धि होती है, वो वृद्धि कैसे होती है मैं आपको बता सकता हूँ, ये ग्रोथ कैसे करते हैं जैसे आपने देखा पहाड़ ठीक है, तो पहाड़ पे कैसे बेटा है क्या होती है कई धूल आगे चलती रहती है तो उनका जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा धूल क्या होती है यहाँ जमने लगती है और यहाँ धीरे धीरे जमते रहती होते तो पहाड़ का जो साइज है वो क्या होता है बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी बेटा जो पहाड़ होते हैं वो क्या होते हैं वृद्धि करते हैं, जैसे जब धूल मिट्टी आंधी वगैरह चलती है तो धूल मिट्टी क्या होती है उन पर कलेक्ट होने लगती है तो उनका साइज बढ़ जाता है ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि ये कोष के विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट किया कि सजीव क्या है ठीक है, सजीव क्या है, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं बेटा वो आप 70 37 64 83 71 ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे आते आप हाई लिख के भेज दें तो आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे ठीक है, क्या मिल जाएंगे
नोट्स मिल जाएंगे। मैंने आपको कैसे पढ़ाया आप मुझे जरूर बताएं। और हमारा जो फेसबुक पे फेसबुक है अभय कुमार सर, अभय कुमार सर, ठीक है ना, इस पे जरूर फॉलो कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फॉलो कर लीजिएगा। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है, वीडियो कैसा लगा। प्लस आप समझदार है बेटा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा मेरा, और मैं आपको इसी प्रकार पढ़ाता रहूंगा, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।